हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो प्रीवियस लेक्चर पर मैंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप वो चेकआउट कर सकते हैं एमसीक्यूज को चेकआउट करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एमसीक्यूज में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू ICMR सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन बिलो। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ICMR के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग सीवियर एनीमिया, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये एनीमिया नहीं बोल रहा, सीवियर एनीमिया बोल रहा है। सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया हम कब बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन उसके बिलो होगा। किसके बिलो होगा मतलब किससे लेस होगा हीमोग्लोबिन, तब हम सीवियर एनीमिया बोलेंगे प्रेगनेंसी में। तो ए ऑप्शन है 11 ग्राम पर डीएल, बी 10 ग्राम पर डीएल, सी 7 ग्राम पर डीएल एंड डी 4 ग्राम पर डीएल। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी 7 ग्राम पर डीएल, क्योंकि सीवियर एनीमिया पूछा है। तो एनीमिया प्रेगनेंसी में हम तब बोलते हैं जब 11 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, चाहे वो ICMR है चाहे WHO है, दोनों ने यही बोला है कि प्रेगनेंसी में 11 ग्राम पर डीएल से अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो एनीमिया में काउंट होगा। सीवियर एनीमिया बोलेंगे जब 7 ग्राम पर डीएल से भी कम चला जाएगा हीमोग्लोबिन, तो उसको सीवियर एनीमिया बोलते हैं। मेल में कब बोलते हैं एनीमिया, 13 ग्राम पर डीएल से अगर कम हो जाता है हीमोग्लोबिन तब उसको एनीमिया बोलते हैं। फीमेल जो नॉन प्रेग्नेंट है उसमें 12 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि सीवियर एनीमिया की बात हो रही है, सिर्फ एनीमिया की बात नहीं हो रही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया का सबसे कॉमन टाइप क्या है। तो सबसे कॉमन टाइप ऑप्शंस आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर पर्निशियस एनीमिया। तो सबसे कॉमन टाइप कौन सा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो ईजिली हो जाती है, इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन टाइप है। देन हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिटिक RBCs आर सीन इन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स हैं जो वो हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है कि वो लाइट कलर के, जो कलर, जो एक्चुअल कलर है रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर, उससे वो थोड़े फीके पड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। हाइपो मीन्स लेस, क्रोमिक मीन्स कलर जो है थोड़ा लेस हो गया है। एंड माइक्रोसिटिक, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सिटिक मीन्स सेल्स, मीन्स स्मॉल सेल्स, RBCs का जो साइज है उससे स्मॉल कब नजर आएंगे। तो हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिटिक RBCs कब नजर आएंगे, तो ए ऑप्शन है हीमोलिटिक एनीमिया, बी पर्निशियस एनीमिया, सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड डी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिटिक RBCs नजर आते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो माइक्रोसिटिक मीन्स जो RBCs का जो साइज है वो नॉर्मल कितना होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर। और अगर 7 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक RBCs, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन किसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन जो कि RBCs में पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से RBCs को उसका कलर मिलता है रेड कलर। तो अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो RBCs को उसका कलर नहीं मिलेगा, इसलिए हाइपोक्रोमिक कलर के दिखाई देते हैं। RBCs का जो एक्चुअल कलर है वो उनको नहीं मिल पाता, थोड़े से लाइट कलर के इसमें RBCs दिखाई पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एनहांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन, तो इनमें से कौन सा फूड आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन क्या है, लेमन वाटर, टी, कॉफी, मिल्क। अब इसमें दो चीजें हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वो है विटामिन सी या फिर विटामिन सी। तो विटामिन सी किस में होता है, लेमन में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, लेमन वाटर। तो कुछ भी जो सिट्रिक चीज होगी, विटामिन सी होगा जिसमें, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें मिल्क होगा, मिल्क आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, तो मिल्क इटसेल्फ ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। कॉफ़ी, टी, ये भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, और अगर कॉफ़ी और टी में अगर मिल्क ऐड किया जाता है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या फिर अगर एंटा एसिड्स ले रहे हैं, एंटा एसिड्स क्या होते हैं, जो कि एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, स्टमक एसिड को रिड्यूस करते हैं, तो एंटा एसिड
एंड मिल्क, ये दोनों चीजें आयरन की अब्सॉर्प्शन को कम करती हैं, डिक्रीज करती हैं। तो अगर आप आयरन टेबलेट्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो इन दोनों चीजों में गैप होना चाहिए कि अगर आपने मिल्क लिया है या फिर एंटासिड लिए हैं तो आयरन सप्लीमेंट लेने से 2 घंटे से पहले लेना है और 4 घंटे के बाद लेना है, तो इतना गैप जरूर होना चाहिए ताकि आयरन की अब्सॉर्प्शन अच्छे से हो सके। नाउ इन इंडिया विच टाइप ऑफ एनीमिया इज अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन से टाइप का एनीमिया अनकॉमन है, मीन्स कॉमन नहीं है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये तो कॉमन है इंडिया में, प्रेग्नेंट वीमेन में देखने को मिलता है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ये भी देखने को मिलता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होता है ये भी, लेकिन ये रेयर होता है। कॉमनली कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी, एंड उससे थोड़ा सा कम कॉमन कौन सा है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है। तो ए ऑप्शन है सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, ट्रांसफेरिन एंड हीमोग्लोबिन। ये सभी टेस्ट हैं, ये सभी टेस्ट हम करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि बेस्ट टेस्ट बताओ, तो बेस्ट टेस्ट अगर जहां पर भी सीरम आ रहा है इसका मतलब कि ब्लड में लेवल चेक करना, तो सीरम आयरन क्या ये बेस्ट टेस्ट है। ज्यादातर लोगों को हीमोग्लोबिन देखकर लग रहा होगा कि ये बेस्ट टेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये भी रॉन्ग है। हाँ, ये टेस्ट किया जाता है कॉमनली हीमोग्लोबिन, बट ये बेस्ट नहीं है। सीरम आयरन भी बेस्ट नहीं है, ट्रांसफेरिन भी बेस्ट नहीं है। ट्रांसफेरिन क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आयरन को ब्लड में। और सीरम फेरेटिन, तो सीरम फेरेटिन इसका राइट आंसर है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि सीरम फेरेटिन क्यों है। देखो, फेरेटिन एक प्रोटीन है जो कि आयरन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और यही फेरेटिन प्रोटीन आयरन को स्टोर करता है टिश्यूज में, जैसे कि लीवर के टिश्यूज में, बोन मैरो में, स्प्लीन में। तो फेरेटिन का काम क्या है, आयरन को स्टोर करना, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि फेरेटिन क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है और देन ये स्टोर होता है टिश्यूज में। अब आयरन हमारी बॉडी में कम है, अगर आयरन हमारी बॉडी में कम है तो क्या हमें उतना ही फेरेटिन चाहिए, ज्यादा फेरेटिन चाहिए उसको स्टोर करने के लिए? नहीं, अब हमको फेरेटिन कम चाहिए। जैसे कि आयरन आपको आप लगा लीजिए कि ये वर्क है, और फेरेटिन क्या है, वर्कर है। तो अगर वर्क कम है तो हमको वर्कर भी कम चाहिए। तो सीरम फेरेटिन क्या डिटेक्ट करता है, मींस ब्लड में फेरेटिन का लेवल क्या डिटेक्ट करता है कि कितना आयरन हमारी बॉडी में है स्टोर करने के लिए। तो अगर फेरेटिन का लेवल ब्लड में कम है, इसका मतलब आयरन हमारी बॉडी में कम है स्टोर करने के लिए। इसलिए फेरेटिन सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव ऐसे होता है कि जितना कम आयरन उतने कम फेरेटिन, जितना ज्यादा आयरन उतना ज्यादा फेरेटिन आपको ब्लड में देखने को मिलेगा। और ये बहुत सेंसिटिव होता है इसके लेवल से, कि आयरन का जितना लेवल है उतना ही फेरेटिन होगा। ये इससे भी ज्यादा सेंसिटिव है, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो बाद में पता लगेगा। सबसे पहले अगर आयरन कम हुआ है बॉडी में, तो फेरेटिन के लेवल से सबसे पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आयरन का लेवल बॉडी में कम है। इसलिए इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है। अब इसका नॉर्मल लेवल मेल में कितना होता है, 32-400 नैनोग्राम पर मिल, और फीमेल में इसका हाफ होता है अराउंड 15-200 नैनोग्राम पर मिल। तो अगर इससे कम होता है तो इट मींस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट है। देन उसके बाद आता है आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फेरेटिन। ये तीनों फॉर्म नहीं है, ये तीनों गलत ऑप्शन है। फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर होता है, क्योंकि फेरेटिन एक प्रोटीन है जो कि आयरन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिस फॉर्म में ये स्टोर होता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स एग्जामिन्ड अ पेशेंट एंड ऑब्जर्व दैट, नर्स ने एक पेशेंट को एग्जामिन किया और क्या ऑब्जर्व किया, दैट स्पून शेप्ड फिंगर नेल्स, उसके क्या है, पेशेंट के स्पून शेप्ड फिंगर नेल्स हैं, इस तरह के चम्मच जैसे, स्पून जैसे शेप के फिंगर नेल्स है। वैसे हमारे शेप कैसी होती है नेल्स की, इस तरह होती है, लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये इस तरह है स्पून की शेप में। एंड टैकीकार्डिया, हार्ट रेट भी इंक्रीज है।
द नर्स डॉक्यूमेंटेड दैट द पेशेंट मे हैव, नर्स को क्या लग रहा है इसको देखे कि पेशेंट को ये हो सकता है. अब ये पिक्चर आपको जरूरी नहीं है ये दिखेगी, ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लगाई है. तो आपको ऑप्शंस मिले हैं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या फिर हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसका राइट आंसर है. ऑब्वियसली हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो नेल्स की शेप है वो स्पून जैसी हो जाती है, जिसको कोयलिनी किया भी बोलते हैं. एंड ये जो नेल्स हैं इनकी शेप तो चेंज होती ही है, साथ में ये ब्रिटल भी हो जाते हैं, इजिली ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं, साथ में ये टैकीकार्डिया देखने को मिलता है. देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एनीमिया मींस हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है बॉडी में, हीमोग्लोबिन का अगर अमाउंट कम है तो क्या ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी, टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी. तो हार्ट क्या कोशिश करता है, हार्ट अपने हार्ट रेट को बढ़ा देता है. तो हार्ट रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि वो पूरी कोशिश करता है कि ब्लड टिश्यूज तक जा सके. तो ये एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है जिसमें टैकीकार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. तो इसका राइट आंसर क्या, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट आयरन प्रिपरेशन कैन कोज. अब जो सप्लीमेंट आयरन प्रिपरेशन होते हैं, मींस अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, बाहर से आयरन देते हैं, ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, आईवी फॉर्म में दे सकते हैं. तो ओरल टैबलेट्स भी आती हैं, लिक्विड भी आते हैं इसकी प्रिपरेशन. तो उससे क्या होता है, देखो स्टेनिंग ऑफ टीथ, मेटालिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैक स्टूल, ऑल ऑफ द अबव. तो इन सब से क्या होता है, सप्लीमेंट आयरन प्रिपरेशन से इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव. तो स्टेनिंग हो जाती है टीथ की. आयरन क्या है, आयरन एक कलर वाला है, ये स्टेनिंग करता है. तो आयरन कलर है इसलिए तो हीमोग्लोबिन कलर है और वो आरबीसी इसको पिगमेंट प्रोवाइड करता है. तो आयरन क्या है, डार्क कलर होता है इसका. तो इससे टीथ में स्टेनिंग हो सकती है. अगर कोई सपोज लिक्विड प्रिपरेशन ले रहा है, तो अगर वो डायरेक्ट ग्लास से पी रहा है तो उसके दांतों पर भी कलर लग सकता है, आयरन का जो कलर है. तो इसलिए हम क्या उसको सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रो डाल के वो पिए, ताकि दांतों पर नहीं लगे, डायरेक्ट वो उसके गले में जाए, दांतों पर ना लगे. इसलिए आयरन से क्या हो सकता है, स्टेनिंग ऑफ टीथ हो सकती है. मेटालिक टेस्ट, इसका जो टेस्ट है आयरन का वो थोड़ा मेटालिक टेस्ट होता है. कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैक स्टूल इसका कॉमन साइड इफेक्ट आप बोल सकती है. कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को हो रही है, इट मीन्स वो अगर आयरन सप्लीमेंट्स पर है तो आयरन सप्लीमेंट्स के कारण कॉन्स्टिपेशन हो रही है. ब्लैक स्टूल सेम रीजन, क्योंकि आयरन क्या है, स्टेनिंग करता है, डार्क कलर का होता है. नेक्स्ट इज विच एक्शन कंफर्म्स दैट द नर्स इज यूजिंग जेड ट्रैक टेक्निक टू एडमिनिस्टर आईएम इंजेक्शन. अब जब आयरन का इंजेक्शन देते हैं तो जेड ट्रैक टेक्निक यूज करते हैं आईएम इंजेक्शन देने के लिए. तो आयरन क्या है, आईएम भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं. तो आईएम इंजेक्शन अगर दे रहे हैं तो जेड ट्रैक टेक्निक का यूज करते हैं. अब जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, उनको इजीली पता होगा कि जेड ट्रैक टेक्निक क्या है. तो ए ऑप्शन इसमें क्या आता है, क्रिएटेड अ जेड शेप ग्रिड ऑन द एब्डोमेन एंड इंजेक्ट्स ईच डोज स्लोली. कि ए ऑप्शन क्या कह रहा है, कि हम एक जेड शेप की ग्रिड बनाते हैं एब्डोमेन पे एंड देन इंजेक्शन को स्लोली इंजेक्ट करते हैं. सेकेंड बता रहा है यूज एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई टू इंजेक्ट. कि हम थाई के फ्रंट पे एंटीरियर पार्ट पर और लेटरल पार्ट पर साइड पर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो उसको जेड ट्रैक टेक्निक बोलते हैं. थर्ड कह रहा है पुल स्किन डाउनवर्ड और लेटरली बिफोर इंसर्टिंग द नीडल. थर्ड क्या बोल रहा है कि स्किन को डाउनवर्ड और लेटरली साइड की तरफ क्या करो, पुल करो, खींचो एंड देन नीडल को इंसर्ट करो. फोर्थ बोल रहा है यूज स्पेशल सिरिंज टू एडमिनिस्टर द इंजेक्शन. कोई एक स्पेशल सिरिंज होती है जिससे हम इस इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं जेड ट्रैक टेक्निक में. तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, पुल स्किन डाउनवर्ड. जेड ट्रैक मेथड में हम क्या करते हैं कि जो स्किन है उसको पुल करते हैं डाउनवर्ड एंड लेटरली, मीन्स नीचे की तरफ एंड साइड की तरफ स्किन को पुल करते हैं एंड देन 90 डिग्री पर इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं. दैट इज जेड ट्रैक टेक्निक. तो इसका जो मेन फंडा है वो क्या होता है कि सपोज ये स्किन है एंड इसके नीचे ये मसल है एंड जब हमने इंजेक्शन इंसर्ट करना है तो हमने स्किन को ऐसे स्ट्रेच कर लेना है इधर की साइड, डाउनवर्ड एंड लेटरली स्ट्रेच कर लेना है. तो ये स्किन क्या थोड़ी सी आगे मूव हो जाती है. अब नीडल को इंसर्ट करना है, नीडल को इंसर्ट कर लिया, इंजेक्शन को हमने मसल में डाल दिया. अब जब नीडल को विड्रॉ कर लेना है, अब सपोज नीडल हमने बाहर निकाल ली, तो स्किन को देन छोड़ देना है, जो हमने स्ट्रेच की थी स्किन को वो छोड़ देना है. अब स्किन अपनी वापस पोजीशन पर आ जाएगी. तो यहाँ पर स्किन में पियर्सिंग हुई थी, वो स्किन क्या है आगे चली जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया कि स्किन को छोड़ दिया. तो स्किन जहाँ पर पियर्सिंग हुई थी वो स्किन पीछे चली जाएगी,
पीछे चली जाएगी ना, जब स्किन को ऐसे छोड़ दिया तो अब वो स्किन पीछे चली गई, और यहाँ पर जहाँ पर मसल के बीच में इंजेक्शन लगा है उसके ऊपर जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन आ गई। अब नॉर्मल स्किन आ गई तो उससे क्या होता है कि ये जो मसल का जो इंजेक्शन है ये वापस स्किन में नहीं जाता, क्योंकि ये जो डार्क कलर के जो इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि आयरन हो गए, आयरन इंजेक्शन क्या करता है, स्टेनिंग करता है, ये कलर छोड़ता है, तो स्किन में एक तो स्टेनिंग पड़ जाएगी, स्किन में कलर आ जाएगा उसका इंजेक्शन का, प्लस ये इरिटेशन कोज करते हैं, तो स्किन में कम इरिटेशन होगी, पेन भी कम होगा। तो इसका जेड ट्रैक टेक्निक का ये एक टेक्निक है, इसलिए ये करते हैं, और ये जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से एक जेड बनाता है, इसलिए इसको जेड ट्रैक टेक्निक बोलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर लेक्चर बनाया, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग जेड ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन एक्सेप्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए एक्सेप्ट लिखा है कि इन सब में से जेड ट्रैक मेथड में ये सभी टेक्निक यूज की जाती है लेकिन एक नहीं की जाती, एक्सेप्ट वो कौन सी है। फर्स्ट प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विद अल्कोहल, कि अल्कोहल के साथ पहले क्लीन कर लो इंजेक्शन साइट को, देन इंजेक्शन लगाओ। सेकेंड इंजेक्ट एट वेंट्रोग्लूटियल साइट, वेंट्रोग्लूटियल मीन्स ग्लूटियल मसल में इंजेक्शन लगाना है और वेंट्रोग्लूटियल साइट होनी चाहिए। एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन लगाने से पहले जेड ट्रैक टेक्निक में हमें पहले देखना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा इंजेक्शन में। रब द साइट विग्रसली आफ्टर द इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगाने के बाद साइट को अच्छे से रब कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विद अल्कोहल, अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी हमने इंजेक्शन लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले साइट को क्लीन कर लेते हैं। सेकेंड इंजेक्टेड वेंट्रोग्लूटियल साइट, तो जेड ट्रैक स्पेशली ऐसे आईएम इंजेक्शन जो इरिटेटिंग हो जैसे कि आयरन के इंजेक्शन, तो हम प्रेफर क्या करते हैं, वेंट्रोग्लूटियल साइट प्रेफर करते हैं। एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, आई एम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एस्पिरेट कर लेंगे कि कहीं वेन में या फिर आर्टरी में तो नहीं चला गया इंजेक्शन, तो इसलिए ब्लड को देखेंगे कि ब्लड तो नहीं आ रहा बैक फ्लो। रब द साइट विग्रसली आफ्टर द इंजेक्शन, अब ये कैसा इंजेक्शन है, आयरन, आयरन ऐसा इंजेक्शन है जो कि स्किन में इरिटेशन कोज कर सकता है, स्टेनिंग कोज कर सकता है, कलर या फिर स्टेन स्किन में आ सकता है इसकी वजह से। तो अगर हम इंजेक्शन के बाद विग्रसली अच्छे से रब कर देंगे तो क्या होगा, इरिटेशन और स्टेनिंग और बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगा, और तो इसलिए ये नहीं करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन सही नहीं है, आप ध्यान से पढ़े, एक्सेप्ट लिखा है इसमें। तो जेड ट्रैक मेथड में ये तीनों यूज करते हैं लेकिन रब नहीं करेंगे, इंजेक्शन लगाने के बाद उसको रब नहीं करना। देन नेक्स्ट है सुरेश हैड बैरियाट्रिक सर्जरी, सुरेश की बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है, कोई सुरेश नाम का पर्सन है, उसकी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है। बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, ये ज़्यादातर जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, ओबीस पर्सन होते हैं जिनकी ओबीसिटी से कोई रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज वगैरह हो सकती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, बैरियाट्रिक सर्जरी में कोई स्टमक का पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है, लार्ज पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अभी हम आगे बढ़ते हैं नहीं तो आपको आंसर पता लग जाएगा। एंड डिवेलप आयरन डेफिशिएंसी रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम, एंड बैरियाट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट को क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी हो गई है रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम की वजह से। अब डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है मैं बताती हूँ, आइडेंटिफाई कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन सुरेश, अब आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा कोज है जो कि सुरेश को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ इसकी वजह से। फर्स्ट है एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड एंट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, कि कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में अनकंट्रोलेबली एंटर हो रहा है। सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के ड्यूरिंग उसका सीवियर ब्लड लॉस हो गया इसलिए उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है। सी लेस एंड डिफिकल्ट इनटेक, उसका क्या है, बहुत लेस इनटेक है और बहुत डिफिकल्ट इनटेक है आयरन का या फिर कोई भी फूड का। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम ड्यू टू सर्जरी, डी ऑप्शन क्या कहता है कि आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है सर्जरी के कारण, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। अब मैं बताती हूँ कैसे, बैरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है,
कि स्टमक का मैक्सिमम पोर्शन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फर्स्ट पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है? क्योंकि वहीं से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की। प्लस इसको रिमूव करने से क्या होता है, भूख भी कम लगती है। तो जो ओबीस पेशेंट होते हैं जिनका जो ओबिसिटी है वो सीवियर है कि उनको डिसीज कोज हो सकती है, डिसीज के रिस्क पर है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क पर है, तो वो बैरियट्रिक सर्जरी उनमें कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो उसको भूख भी कम लगेगी, अगर स्टमक का काफ़ी पोर्शन रिमूव कर देंगे तो हंगर नहीं लगेगी, कम खाएगा, स्टमक का बहुत पोर्शन रिमूव कर दिया तो कम भी खाएगा, और अगर खाएगा भी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि जिस पोर्शन से एब्जॉर्ब होना है वो तो रिमूव कर दिया, स्टमक का भी कर दिया, इंटेस्टाइन का भी, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फर्स्ट पोर्शन रिमूव कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, डंपिंग सिंड्रोम होगा। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि देखो ज़्यादातर जो बीच का पोर्शन था वो तो रिमूव ही कर दिया स्टमक का, तो स्टमक से जैसे ही फूड आया वो डायरेक्टली किस में आ गया, जो बीच का पोर्शन है वो तो रिमूव ही हो गया, तो डायरेक्टली या फिर क्विकली आप बोलेंगे जल्दी से इंटेस्टाइन में आ गया। अब इतनी जल्दी आ गया कि एब्जॉर्प्शन तो हुई ही नहीं न्यूट्रिएंट्स की, इसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग, किसी को डंप कर देते हैं ना कि लाइक कूड़ा डंप कर दिया, एकदम से फेंक दिया, तो ऐसे ही डंपिंग सिंड्रोम मतलब खाना गया है बस फेंक दिया इंटेस्टाइन में, उसकी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ना तो स्टमक है ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो मोस्टली बैरियट्रिक सर्जरी में ये करते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, एक बाईपास बना देते हैं कि स्टमक और इंटेस्टाइन से तो होके गुजरे ही ना, साइड से कहीं फूड आ जाए ताकि एब्जॉर्प्शन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। तो डंपिंग सिंड्रोम बैरियट्रिक सर्जरी में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम हो गए, आयरन हो गए, और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती बॉडी में। एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पर्सन को इनकी डेफिशिएंसी तो होगी, तो ऐसे पर्सन को बैरियट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट को क्या लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं इवन लाइफ टाइम। देन है नेक्स्ट मोस्ट प्रेवलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अमंग यंग चिल्ड्रन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेजर रीजन फॉर दिस। यंग चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है कॉमनली, ठीक है, मेजर रीजन इसका क्या है? तो फर्स्ट है ब्लड डिसऑर्डर, उनको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, ओवरफीडिंग ऑफ मिल्क, मिल्क ज़्यादा पी रहे हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट आयरन रिजर्व्स फ्रॉम मदर, मदर से कम आयरन रिजर्व मिला है, स्टार्टिंग ऑफ सॉलिड्स अर्ली फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, उन्होंने ज़्यादा ही जल्दी सॉलिड खाना शुरू कर दिया है, मिल्क से जल्दी सॉलिड पे आ गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मिल्क की ओवरफीडिंग करना। मैंने बताया कि मिल्क आयरन की एब्जॉर्प्शन को कैंसिल करता है, तो जो बच्चे हैं अगर वो ओवरफीडिंग कर रहे हैं मिल्क की, मिल्क ज़्यादा ही पी रहे हैं और अदर चीज़ें कम खा रहे हैं, या फिर अगर खा रहे हैं तो मिल्क लेने के बाद और दूसरी चीज़ों के बीच में गैप नहीं है, तो क्या होगा कि मिल्क आयरन की एब्जॉर्प्शन को कैंसिल आउट करेगा, जिसकी वजह से बच्चों में ओवरफीडिंग ऑफ मिल्क की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। इसलिए हम घरों में क्या बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, ठीक है, तो पालक पनीर एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है वैसे, पालक में क्या है, आयरन है, स्पिनिच में आयरन है, पनीर में क्या है, मिल्क है, वो और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो इतना वैसे तो टेस्टी है, कॉमन है, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसमें है, वो है तो आयरन भी है उसमें, पनीर भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये MCQs क्लियर हुए हों, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।